अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे खड़ा पाव भाजी। ये नॉर्मल पाव भाजी का थोड़ा सा अलग वर्जन है। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। नॉर्मल पाव भाजी में हम सब्जी को मैश करते हैं। इसमें हम सब्जियों को मैश नहीं करेंगे, इनके छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर उसमें हम अपना मसाला ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है। फ्लावर हमें मीडियम साइज़ का लेना है और उसके फ्लोरेट्स छोटे छोटे करके रख देने हैं। हमने इसका डंठल फेंका नहीं है फ्लावर का, ये भी हम यूज़ करेंगे इसमें। हमने हैंडफुल ऑफ बीन्स लिए हैं, गाजर लिया है, शिमला मिर्च लिए हैं और आलू लिए हैं। बेसिकली आपके घर में कोई भी जो सब्ज़ी हो आप इसमें डाल सकते हैं, और सब्जियों की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार। ये मटर लिए हैं कुछ हमने। ये मसाले के लिए हमें जो चाहिए होगा, अदरक और लहसुन, ये दो चीज़ें हैं। चार टमाटर हम बारीक काट लेंगे, दो टमाटर की प्यूरी करेंगे। पाव भाजी मसाला है ये, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं आप। ये कश्मीरी मिर्च है जो हमारे भाजी को रेड कलर देगी, ये आप थोड़ी कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। और ये प्याज है जो हमें बारीक काटने हैं। इसके अलावा हमें बटर, तेल और नमक लगेगा अलग अलग स्टेजेस पे। जब जैसे लगेगा मैं आपको बताते जाऊँगा। इसमें बटर हल्का सा ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा आएगा। हमने लिए हैं ये फ्लोरेट्स और इसे हमने उबलते हुए नमक के पानी में डाला है। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, इसमें जो कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे और पक भी जाएंगे। इन फ्लोरेट्स को मैंने इमीडिएटली ठंडे पानी के नीचे चला लिया, इनका कुकिंग प्रोसेस थम गया। और देखिए ये साफ़ भी हो गए हैं और सारे फ्लोरेट्स पक गए, इंक्लूडिंग द डंठल। अब हम बाकी सारे वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। मेरे पास ये फूड कटर है, मैंने इससे किया है। आपके पास अगर ये नहीं है, कोई और फूड प्रोसेसर है उससे करिए, या फिर नॉर्मल नाइफ से भी आप कर सकते हैं। बट इससे पीसेस देखे सारे एक जैसे हो जाएंगे। पहले मैंने शिमला मिर्च लिए, फिर मैंने ये कैरेट लिया है, कैरेट के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर इन्हें स्टैक करके इस पर रखा और देखिए सारे एक साथ एक जैसे हो जाएंगे। 1 2 3 मैजिक। इसी तरह हम सारे वेजिटेबल्स एक एक करके चॉप कर लेंगे। ये फ्लावर तो बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आधा पक चुका है, इसमें आपको ना कुछ प्रेशर देना है। ये खड़ा पाव भाजी का जो प्रेपरेशन टाइम होता है उसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें आपके सारे वेजिटेबल्स आपको पहले से ही रेडी करके रखने होंगे। ये देखिए आलू भी हम उसी तरह पहले स्लाइसेस करेंगे और फिर इसके थ्रू करेंगे। एक जैसे टुकड़े हो गए सारे आलू को। जैसे ही आप इसके टुकड़े हो जाएं इमीडिएटली पानी में डाल के रखिए, नहीं तो वो काले हो जाएंगे। फिर हमने ली हैं बीन्स। बीन्स को हम एकदम छोटा छोटा नहीं काटेंगे, इसके 3/4 inch या 1 inch के टुकड़े करेंगे, क्योंकि ये खड़ा पाव भाजी है। सारी सब्जियों का टेस्ट आपको आएगा जब आप च्यू करोगे। नेक्स्ट हमने प्याज लिए, प्याज को भी सेम तरीके से हमें इस फूड कटर में डालना है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद हमें टमाटर लेने हैं। ये सारे वेजिटेबल्स अगर आप नाइफ से कट करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इट्स ईजियर अगर आपके पास कोई फूड प्रोसेसर या फूड कटर हो तो। टमाटर जो हमने लिए हैं वो 4 टमाटर हमने लिए हैं, जिसकी हम ये छोटे छोटे पीसेस करेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर लेंगे हम अदरक और लहसुन, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसका एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, अगर दरदरा बनाएंगे इवन दैट्स ऑल राइट। उसी मिक्सी में हम लेंगे जो दो बचे हुए टमाटर है और उनका एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। इसमें आपको बार बार वेजिटेबल कटर या मिक्सी या बर्तन को धोना नहीं पड़ेगा। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। और ये देखिए हमारे सारे वेजिटेबल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, नाइसली एक जैसे यूनिफॉर्मली चॉप्ड। और अब हम बनाएंगे मसाला। ये देखिए मसाले के भी सारे, ये प्यूरे है, टमाटर के छोटे पीसेस, प्याज और बाकी मसाले। लेट्स स्टार्ट द भाजी। पहले मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हमने बटर लिया है और साथ में थोड़ा सा तेल लिया है। सिर्फ बटर लोगे आप तो बटर जल जाएगा, हल्का सा तेल भी ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने और इसे सौते किया है। फिर डाला है प्याज, इसे थोड़ी देर सौते करेंगे। साथ में इमीडिएटली हम नमक भी डाल देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्टर हो जाए। और उसके बाद हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट सौते करेंगे, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। और उसके बाद हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है टमाटर। इसको भी हम डाल के सौते करेंगे, इसे चलाना है। अब ये मसाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असली टेस्ट इस मसाले से ही आना है। इस मसाले को आपको कम से कम धीमी आंच पे आधा घंटा इसको सौते करना होगा, धीरे 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 धीरे। थोड़ा सा पानी भी डाल देना है आपको ताकि ये जले नहीं। उसके साथ ही आपको आपके जो दो ड्राई मसाले हैं, पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी डालनी है। मिर्च आपकी क्वांटिटी आपके टेस्ट के अनुसार डालिए, आप तीखा नहीं करना है आपको ज़्यादा तो कम डालिए, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए। पाव भाजी मसाला भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए।
डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू वॉन्ट इट, और इसकी प्यूरी भी आप डाल दीजिए। इसे सौते करिए और धीमी आँच पे, जैसे मैंने कहा था आपको कम से कम आधा घंटा इसे सौते करना है। इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसे धीमी आँच पे सौते करते रहेंगे। अगर आपने कभी ढाबे पे आलू मटर खाया या रोड साइड पे पाव भाजी खाई है, हम ऑफन वंडर करते हैं कि ये टेस्ट जब हम सब्ज़ी घर पे बनाते हैं तो क्यों नहीं आता है। रीज़न इज़ ये मसाला। वो लोग ये मसाला इतना चलाते हैं कि इसमें सारा उसका जो टेस्ट है एक साथ मिल जाता है। अगर इफ़ यू नोटिस उनके तवे पे ये जो मसाला होता है वो हमेशा उबलता रहता है, इसीलिए पाव भाजी में वो वैसा टेस्ट आता है। वैसे ये मसाला आप पहले बना के फ्रीज या डीफ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला पूरा पक गया है, उसने सारा मॉइस्चर पानी छोड़ दिया और एकदम गाढ़ा बन गया है। ये आप फ्रीज में 2-3 दिन रख सकते हैं और डीप फ्रीज में कम से कम 8-10 दिन रख सकते हैं। जब चाहे आप बाद में पाव भाजी बना सकते हैं। ये जो बचा हुआ मसाला है कढ़ाई में, ये भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे, पानी डालेंगे, ये हम आगे सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। अब लीजिए कढ़ाई और उसमें डालिए बटर और तेल। अब हमें सब सब्जियों को सौते करना है। सबसे पहले हम लेंगे हमारा एकदम सख्त वेजिटेबल विच इज़ आलू, जो पूरा कच्चा है। तो आलू को डाल के हम कम से कम 2-3 मिनट सौते करेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे अलग अलग वेजिटेबल्स डालेंगे। अब इसमें जो हम वेजिटेबल्स भी डालेंगे विल बी अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस, कितने सख्त हैं, कितने पके हुए हैं। तो पहले हमने डाला आलू और साथ में हमने डाल दिया नमक, तो कुकिंग प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम डालेंगे गाजर और बीन्स, क्योंकि ये भी दोनों एकदम कच्चे हैं, तो इन दोनों को भी साथ ही में हम सौते करना शुरू कर देंगे। इन वेजिटेबल्स को भी आपको 100% कुक नहीं करना है, अराउंड 60-80% के बीच में कुक करना है, ताकि आपको वो जो खड़ा पाव भाजी का क्रंचीनेस और जो रफेज है वो आपको मिले, नहीं तो एकदम ये भी सौगी हो के आपके नॉर्मल पाव भाजी जैसी हो जाएगी। उसके बाद हमें डालने हैं मटर। मटर अगर मैं कच्चे लेता फ्रेश वाले तो मैं इसके पहले कैरेट और बीन्स के साथ ही डाल लेता, लेकिन ये मैंने पैकेट वाले लिए हैं तो मैंने ये अभी डाले, क्योंकि ये इतने कड़क नहीं होते हैं। इन्हें भी डाल के सौते करना है। इसके बाद मैंने डाला है फ्लावर, जो ऑलरेडी आधा पका हुआ है। हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है और फ्लावर के साथ साथ मैंने डाली है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च हमने एंड में डाली है क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत जल्दी सौगी हो जाती है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च एंड में डाली है। अब हम डालेंगे मसाला। अब मसाला थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं पूरा मसाला नहीं लूँगा, मुझे ये ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं चाहिए, थोड़ी सूखी सूखी चाहिए। अब हमें पानी डालना है तो हम वही पानी यूज़ करेंगे जो हमने मसाले की कढ़ाई से लिया था। इसे भी डाल के अब हम मिक्स करेंगे। ये देखिए कलर आपका जो है वो इतना प्यारा आएगा जैसे ही हम ये मसालों को मिक्स करना शुरू करेंगे, एकदम लाल रेडिश कलर आ जाएगा। इसे अब ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 मिनट में ये बन जाएगी। नॉर्मल पाव भाजी और खड़ा पाव भाजी में जो डिफरेंस है वो टेक्सचर का है, तो ध्यान रखिए अभी इसे ज़्यादा चलाइए मत, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे आप तो इसके सारे वेजिटेबल्स सौगी हो जाएंगे और वो आपको जो रफेज चाहिए वेजिटेबल्स में वो मिलेगी नहीं। गैस को बंद करने के 30 सेकंड बाद आप नींबू डालिए। अगर नींबू पहले डालेंगे तो लेमन जूस बिटर हो जाता है, थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो आपकी पाव भाजी रेडी है, इसे मिक्स करिए और इसे सर्व करिए बटर वाले पाव के साथ, छोटे छोटे प्याज काट के उस पर धनिया का गार्निश करके और हल्का सा बटर भाजी पे भी डाल के। आपकी खड़ा पाव भाजी रेडी है। एंजॉय।